हाँ पिता। हाँ आप नहीं चलोगे? मम्मा गिर जाएगी ना बेटी, मत धक्का दो मम्मा को। ओके चलो। नहीं फूटा, गिर गया। उड़ा दी, उड़ गया बलून। हे एवरीवन, सो शाम के भी 6 बज रहे हैं और मैं और सुबह रेडी हो चुके हैं। ले जा रही हूँ मैं उसे पार्क, उसे थोड़ा घुमाने के लिए, झूला वूला झुलाने के लिए, ताकि उसका थोड़ा सा मूड लाइट हो जाए, बच्चों के साथ थोड़ा सा खेले, वो थोड़ा सा झूल उल ले, उसको भी अच्छा लगे और मुझे भी उसको देख के अच्छा लगे। और दोपहर में था तो पतिदेव चले गए थे ऑफिस और हम माँ बेटी खाना पीना खाएं, और ये उसको मैंने सुला दिया था और मैं चली गई थी थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम करने के लिए। हाँ सुना, क्या बोले आप, क्या बोले जरा फिर बोलना। मम्मा ने आप चंदू बोले थे ना, ओके ओके नहीं फूटा है, वो देखो वहां पे रखा है, वो देखो पीछे कह दो जा रहे झूला झूलने, बोल दो झूला झूलने जा रहे। बाय टाटा। बाय टाटा। किसे दे मम्मा को तू, और वो चंदू बोल दो, चंदू बोलते हो ना, बोल दो एक बार, बोल दो ए चंदू, ए चंदू, चंदू चंदू, इनको बोलो, इनको बता दो, इनको बोलो बेटा। एक्चुअली ये सुन ली है ना, चलो चलते हैं, चलो ये सुन ली है ना। जैसे कई बार होता है कि मेरे को बुला बोलते रहते हैं चंदू चंदू बोल देंगे ना, तो सुन ली है वही चीज़, तो जब से सुनी है तब से शुरू कर दी है चंदू चंदू बोलना। जैसे बोलेगी मम्मा मम्मा ये दे दो या मम्मा वो दे दो, तो मैं नहीं सुनूंगी, मैं काम काम में लगी रहूंगी, तो फिर ये बोलेगी ए चंदू चंदू, तो मुझे सुनना ही पड़ता है। झूला का नाम क्या ले लो ना, वो फिर धुनी बांध लेती है, झूला झूलना है, झूला झूलना है, चलो 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 चलो। मम्मा। हाँ बेटा। ये झूला झूले। हाँ चलो 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 चलते हैं, अब बुसारी है, चलिए चलते हैं इसको झूला झूला। चलिए हम लोग आ गए हैं पार्क में, यहाँ सुबह झूला झूलने में लगी हुई है और थोड़ा थोड़ा मैंने सभी झूले पे इसको झूला दिया है और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की। सभी लोग निकल गए हैं पार्क से, बट बस मेरी बेटी ही है जो जिद मचा के रखी हुई है कि नहीं मेरे को झूला झूलना है, अभी और झूलना है, तो मैं ही रुकी हुई क्योंकि रोना स्टार्ट कर दे रही है कि नहीं मेरे को झूलना है, अभी और झूलना है मम्मा, और थोड़ा झूलने दो, थोड़ा झूलने दो, तो थोड़ा सा मैं रुकी हुई इसको झूलाने के लिए। अभी भी मेरी प्रिंसेस झूल रही हैं, बाकी सभी लोग चले गए, पार्क पूरा खाली हो चुका है, उसके बावजूद हम लोग पार्क में अभी भी हैं, अपनी बेटी की मैं फरमाइश पूरी करने में लगी हुई हूँ, है ना जी। इधर देखो, इधर देखो, अच्छा लग रहा है, भीग रहे हो तो अच्छा लग रहा है, ये ना चाहे कुछ भी हो जाए ऐसे जाने का नाम नहीं लेगी, चाहे कितना भी हो, तो बारिश स्टार्ट हुई कितना ही बारिश तेज हो जाए, बट इसको नहीं जाना होता है, इसको रहना होता है, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, बट झूलना है तो झूलना है, जिसको जहाँ जाना है जो करना है करे, बट इनको झूलना है तो झूलना है। और थोड़ा सा मैं भी बैठ जाऊँ झूलने के लिए, जब मेरी बेटी झूल ही रही है तो क्यों ना मैं भी झूल लूँ थोड़ा सा, बच्चों के साथ बच्चे बनने में बहुत मज़ा आता है, वैसे तो बच्चे बनने में मज़ा आता है बट बच्चों के साथ बच्चे बनने में और ज़्यादा मज़ा आता है।
बाबा चलें अब, झूलने दे झूला। ओके मैं बोल रही हूँ कि चले झूला, अब हो गया झूल चुकी, चलो चले। तो बोलते क्या, नहीं मुझे झूला झूलने दो। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इसको ना मतलब बोल सके, जो चीज़ सीखी जो हम लोगों ने सिखाया है वो तो उसको आता है, लेकिन जो हम लोगों ने नहीं सिखाया वो उसको एक्स्ट्रा सीख चुकी है वो। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ना बता सके ना बोल सके, हर एक चीज़ मतलब ऐसा लगता है जैसे अपनी उम्र से ज़्यादा ही वो थोड़ा तेज हो गई है। मतलब कुछ भी होता है तो आराम से इजिली बोल लेती है, ये करना है ये नहीं करना, ये खाना ये नहीं खाना, यहाँ जाना है ये मत करो वो मत करो, छोड़ दो जिद मत करो, परेशान मत करो, मतलब हर एक चीज़। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब ऐसा लगे कि दूसरा बच्चा है तो ना बता सके या कुछ ना बोल सके, लेकिन नहीं इसको सब चीज़ आता है, ये हर चीज़ बोलेगी क्या है क्या नहीं है। बेटा बारिश तेज हो गया, चलो चलें, चलते नहीं तो मेरा फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा इसके चक्कर में। चलिए चलते हैं अब, चलो। हे एवरीवन, सो आ गए हम रूम पे, और सुबह की अगर जिद सुनते तब तो उसको ही अच्छा लग रहा है वहीं पे खड़ी है। इतना अच्छा हवा आ रहा ना अभी, पर बारिश बहुत तगड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अगर सुबह की जिद की सुनते तब तो आज भीगना तय ही था, पूरा लथा बत जाते हैं हम माँ बेटी दोनों लोग। बट सही टाइम पे ही मैं उसको लेके भागी वहाँ से, तो बच गए हम लोग आगे रूम पे। हल्का फुल्का ही मतलब भीगे हैं क्योंकि तो हवा लेगा तो सूख जाएगा वैसे पंखे के। और अभी बारिश इतनी तगड़ी और इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है बारिश अभी, और मेरी बेटी को अभी भी यहीं अच्छा लग रहा है, वो यहीं पे भी। हाँ बेटा तूफान, बारिश बाहर बहुत तगड़ी शुरू हो चुकी है और बहुत तेज़ ही, एक बैग ही स्टार्ट हो गई, मतलब हल्के हल्के स्टार्ट हुई और उसके बाद एक बैग ही बहुत तेज़ से स्टार्ट हो गई। जाना बच बचा के उसको लेके आ गई मैं उसको ढक के, नहीं तो बारिश उसके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसको मतलब बहुत ज़्यादा घाव जाता है और बहुत जल्दी घाव होता है तुरंत उसके, मतलब पूरे सर में घाव घाव हुआ इतना ज़्यादा। इस वक्त मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई पूरा, मैं उसके घाव ठीक करते 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 मैं क्या बताऊँ, फोड़ते फोड़ते ठीक करते करते, बट अब वो ठीक है फाइनली, अब कोई भी घाव नहीं है। बस बारिश से मैं तो बचाती हूँ उसको, बारिश के पानी से, ताकि मतलब कहीं फिर से उसको मतलब दिक्कत ना करे या फिर, क्योंकि मुझे पता नहीं एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है बारिश से, क्योंकि हर साल बारिश में ही उसको मतलब जब बारिश का मौसम आता है तभी उसको प्रॉब्लम होता है वो घाव उसको पूरा हर जगह होना, कभी पूरे बॉडी में होगा कहीं कहीं, तो ज़्यादातर तो उसके सर में ही होता है और बॉडी में बहुत कम ही होता है। बट जब से घाव होता है सर में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं क्या बताऊँ, जब तक यहाँ पे थी पिछली बार जब मतलब मम्मी के यहाँ जाने से पहले जब यहाँ पे इतना ज़्यादा उसके सर में घाव था, फिर जब मैं ससुराल गई तो वहाँ भी उसको घाव हो ही रहा था हो ही रहा था। जब वहाँ से मैं मायके में अपने गई, जब ससुराल से मायके जब मैं गई थी तब वहाँ पे दवाई वा कर जब कराएं तब फिर उसको मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद भगवान ने पता नहीं वहाँ का पानी शुद्ध कर लिया या फिर दवा से किया, बट उसके बाद से घाव उसको अभी एक भी नहीं हुआ है। बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अंदर से कि मतलब बारिश का थोड़ा सा उसको मतलब मौसम इफेक्ट करता है उसको, इसी वजह से उसको मतलब प्रॉब्लम होता है घाव का उसका स्टार्ट हो जाता है। तो उसको पसंद तो बहुत ज़्यादा है बारिश में भीगना, बारिश का हवा लेना, बारिश में खड़े रहना अपना, कब से दिख रहे हैं जब से मैं आई हूँ और आप उनसे बातें कर रही हूँ तब से वो यहीं पे ही खड़ी हूँ। मैडम चलते फटाफट से अब चेंज करते हैं उसका, चेंज करते अपना चेंज करते हैं और फिर कुछ खिलाते पिलाते हैं और कुछ खाते हैं, चाय वो बनाती हूँ। क्योंकि बारिश के मौसम में चाय अच्छा लगता है पीना, थोड़ा सा रहे बट अच्छा लगता है पीना। तो चलिए चलते हैं, बारिश और ज़्यादा तेज़ होती जा रही होती जा रही है, मेरी बेटी को काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शुभ क्या कर रहे हो, अच्छा लग रहा है? देखो बारिश पैदा हो रहा है, देख रहा हूँ, चलो चले अंदर। नहीं मम्मा, आप नहीं चलोगे? नहीं मम्मा, जाने दो। मम्मा गिर जाएगी ना बेटी, मत धक्का दो मम्मा को। मम्मा हम जाने दो। तो हम जाएं फिर? हम जाएं फिर, जाने दो, जाने दो। ओके बाय बाय कर दो, बाय बाय टाटा। बारी
एवरीवन, सो अभी रात के 1 बज गए हैं और अभी तक हम लोग जग ही रहे हैं। ये ऑफिस आ चुके हैं और खाना पीना भी खा चुके हैं। हम लोग पहले खा लिए थे, हमारी बेटी, और ये आते हैं 12 बजे। तो इनको भी मैंने खाना दे दिया था, खाना पीना खा लिए हैं और सूभी उन्हीं के पास से बैठी हुई है। अभी तक मेरी बेटी जग ही रही है, मतलब हमारी बेटी जग रही है और अपने पापा के पास बैठ के कार्टून देख रही है। मैंने कोशिश की कि चलो सो जा, लेकिन नहीं, वो बार बार भाग के जा चली जा रही है पापा पास। उसको लग रहा है कि मतलब मैं उसको पिटाई कर दूँगी या डांटूंगी या पिटाई करूँगी, अपने पास जबरदस्ती का सुलाऊँगी, इस वजह से फिर वो भाग गई अपने पापा के पास से। तो उन्हें पास सोफे पर बैठ के कार्टून देख रही है और पतिदेव देख रहे हैं मूवी। अभी तो टाइम नहीं हुआ मेरी बेटी का सोने का, वो भी थके हारे तो वो भी चिड़चिड़ा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि मतलब 12 बजे तो जगती रहती, जब देखते हैं कि जगती रहती तो खुशी होती कि हाँ मतलब बेटी को देख लेते उसका स्माइल, लेकिन इतने थके रहते हैं ना 12 बजे ड्यूटी करके कि मतलब उनको लगता है बस रेस्ट करने के बजाय खाओ पियो और रेस्ट करो सो जाओ, बट उसके आगे सोने को नहीं मिलता है। मैं तो घर पर हूँ तो आराम कर भी लेती हूँ, बट उसका नहीं है। आगे आपकी तारीफ हो रही है, अम्मा आपकी तारीफ कर रही है, सुनना है। आओ दिखाएं, क्या करना है, सुबह देखना है, अभी नहीं सोना है, अभी नहीं सोना है। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सो जाओ, पापा को परेशान नहीं करते, ये नहीं करना है ना। आंखें में नींद आ रही है ना जी, और ये क्या स्टाइल है, ऐसे ऐसे बैठते हैं, आंखें में नींद आ रही है, सुन रहे हैं इसका, पता नहीं मतलब इसको क्या प्रॉब्लम है। मम्मी कहती है मोराई हुई है तो झरवाने से ठीक हो जाता है, तो अभी तो झरवाए नहीं, हालांकि इस बार घर जाएंगे तो झरवाना है ये चीज़ झरवाएंगे कहते हैं। वैसे अगर बच्चे बार बार इस तरह से अपना दांत चावे तो बीमार भी हो जाते हैं इस चक्कर में, तो ये बहुत ज़्यादा, इसका पहले बहुत कम था लेकिन अब बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है। तो इस बार गई थी तो नहीं झरवा पाई थी, लेकिन अब जाऊँगी घर तो झरवाऊँगी इसका, शायद देखते हैं क्या कैसे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने लगी है। अगर आप लोगों को और कोई तरीका मतलब पता हो झरवाने के अलावा कि क्या करना चाहिए या फिर कैसे करने से ठीक होता है तो ज़रूर बताइएगा। मम्मी कहती है कि इसे दांत चाबने की वजह से सूख भी रही है, इसे खाना पानी नहीं लग रहा है, मोर आ गई है। तो अगर आप लोगों को और कोई तरीका पता होगा तो बताइएगा। अगर बच्चों के दांत बहुत ज़्यादा चाबते हैं मतलब इस तरह से, तो जिस तरह से इसकी आवाज़ आ रही दांत चाबने की, तो अगर और कोई आप लोगों को पता होगा तरीका तो ज़रूर मुझे कमेंट में करके बताइएगा, कोई आप लोगों को तरीका पता होगा इसका। तो बाकी मैं इस बार घर जाऊँगी तो मैं झरवाऊँगी इसको, शायद मतलब उसे हेल्थ पे कुछ फ़र्क पड़े तो पड़े, क्योंकि मतलब कुछ भी खिला रहे पिला रहे लेकिन कोई मतलब इसके अंग देह नहीं लग रहा है। कोई भी खाना कोई देखता भी बोलता है क्या है कि बीमार है क्या, मतलब कोई भी देखेगा तो ये पूछेगा बीमार है क्या, आपकी बेटी तबीयत ठीक नहीं है क्या। अब क्या बताए, तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं इसके शरीर में कोई खाना पीना क्यों नहीं लग रहा है। सुन रहे आवाज़, सुना नहीं है, आँखें नींद आ रही है, आँखें नींद आ रही है, आँखें नींद आ रही है, तो चलो ना सो जाओ, पापा परेशान नहीं करो, पापा को सोने के, पापा थक गया है ना, जो पापा को गुड नाइट बोल क्या होता बोलना है। बैठो पहले मामा किसी दे दो, चलो चले सोने जा रहे हो, जल्दी पापा से, पापा को नाइट बोल क्या जल्दी से, ठीक है जाएगी, लेकिन फिर वहाँ पे कार्टून चल रहा है ना तो जाएगी फिर बैठ के देखेगी वो मनों का, तो फिर बीच में एक बार आएगी, इसे बार बार करी वो बार बार आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है यही कर रही है, फिर से चलेगी पापा के पास और बैठ के फिर कार्टून देखेगी, फिर कुछ टाइम बाद फिर मूड बदलेगा तो फिर आएगी वही ये करेगी। जा रहा तो काफ़ी रात भी हो गई है, एक से ऊपर मतलब 1 बज गया है, तो अब जा रहे हैं, गुस्सा या पीट के सुलाना पड़ेगा उसको, उसका रोज़ का रोज़ हो गया। मतलब मैं कितना भी हूँ, मैं तो कोशिश करती हूँ कि सुलाऊँ डांट के प्यार से दुलार के सर पे तेल रख के ठोक के मालिश करके, लेकिन मतलब कुछ भी काम नहीं आता, उसे सोना होता तो अपने मन से होती है, और जब उसको नींद लगेगा तो फिर खुद आके बोलेगी मामा आँखी में नींद आ रही है, मामा आँखी में नींद आ रही है, इस तरह से बोलेगी। और अभी मैं पूछूँ तो कुछ नहीं बोले, इसका मतलब उसको अभी सोना नहीं है, उसको अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। फिर गई है पापा के पास और वहीं बैठेगी कुछ देर, फिर कार्टून देखेगी, फिर मूड होगा तो फिर आएगी, यही वो करेगी।
अब जा रहे हो, इसका रोज करोज हो गया मुझे, रोज मतलब उसको डांट डपाट के जबरदस्ती पकड़ के सुलाना पड़ता है, कभी ये तो कभी हम, कभी ये तो कभी हम, इस तरह से देखते कोशिश करते सुलाने की, अगर सो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इन्हीं को बोलूँगी सुलाइए तो आप सोने को मिलेगा आपको रेस्ट करने को। इतना थके रहते ये भी ना कि मतलब क्या बताऊँ इनको भी, उनकी तो 12 घंटे खट के आते हैं, ऊपर से घर पे आते हैं तो बेटी मतलब पीछा नहीं छोड़ती, मतलब परछाएं एक बार अंधेरे में तो पीछा छोड़ देगी, लेकिन इनकी बेटी मतलब हमारी बेटी अपने पापा का पीछा नहीं छोड़ती है। जो बैठे हुए हैं वो भी कि जब सोए तो वो सोए, क्योंकि अगर उसके जगते तो सो नहीं सकते, ये तो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब सोए बेटी हमारी, तो कब सोए वो। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों का आज का ब्लॉग, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को ढेर सारा लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, अपना ढेर सारा प्यार मेरे वीडियो को दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, वीडियो लेट जाएगी, मतलब इतना लेट किया जाएगा, मतलब इतना लेट हो चुका है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी कि इतना मैं वीडियो लेट पोस्ट कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी और जल्दी जल्दी वीडियो पोस्ट किया करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।